हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आप हमारे हर नोटिफिकेशन को या हमारे हर वीडियो जो अपलोड किए हुए हैं आप आसानी से देख सको। फ्रेंड्स, अपने हम इस वीडियो में भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 6, जैसा कि रजिस्ट्रे कहा जाता है, इसमें रजिस्ट्रे का सिद्धांत भी समाहित है, उसी पे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि धारा 6 के अंतर्गत कहा गया कि एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति के बारे में बात किया गया है, कहा जा रहा है कि जो तथ्य विवादक न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार से जुड़ा है कि वे एक ही संव्यवहार के भाग हैं, चाहे वे उसी समय और स्थान पर या विभिन्न समयों और स्थानों पर घटित हुए हो। यानी धारा 6 का तात्पर्य यह है कि कोई भी तथ्य, चाहे वह विवादक न हो, तो भी अगर वह विवादक तथ्य से किसी प्रकार से उसका संबंध विवादक तथ्य से है, चाहे वह विवादक तथ्य के समय ही घटित हुआ हो, चाहे विवादक तथ्य के से उसका समय से उसका कोई संबंध न हो, लेकिन वह विवादक तथ्य से सरोकार रखता है, तो वह धारा 6 के अंतर्गत सुसंगत होगा। जैसा कि प्रियण, धारा 6 में क्या है? धारा 6 में ही रजिस्ट्रे का सिद्धांत दिया गया है। रजिस्ट्रे को कहीं अलग से परिभाषित नहीं किया गया है, धारा 6 के अंतर्गत ही रजिस्ट्रे के सिद्धांत को समाहित कर दिया गया है। जैसे कि फ्रेंड्स, मान लीजिए कहा जाता है कि एक ही संव्यवहार के अंतर्गत हम किसको मानेंगे कि ये कार्य एक ही संव्यवहार के अंतर्गत किया गया। जैसे क्या होता है कि ख को पीटकर या उसकी हत्या करने का क अभियुक्त है, तो क या ख के द्वारा जो भी लोग उसके पास खड़े हैं, चाहे क हो या ख है, उसके पिटाई के समय जो भी लोग वहाँ पे एकत्रित हैं, उनके द्वारा जो भी कुछ कहा जा रहा है या पिटाई के समय जो भी कुछ सुना जा रहा है, उन सबको क्या है, एक ही संव्यवहार का भाग माना जाएगा। यानी पिटाई के समय क के द्वारा या ख के द्वारा जो भी कुछ कहा गया, सुना गया या वहाँ खड़े लोगों ने देखा, वह सब क्या है, एक ही संव्यवहार का भाग माना जाएगा। जैसा कि फ्रेंड्स, यहाँ दृष्टांत में हम दृष्टांत के माध्यम से जो दृष्टांत दिया गया है, इसमें देख रहे हैं कि ख को पीट कर उसकी हत्या करने का क अभियुक्त है, क या ख या पास खड़े लोगों के द्वारा जो भी कुछ पिटाई के समय या उससे इतने अल्पकाल पूर्व या पश्चात जो कहा गया या किया गया था, कि उसी संव्यवहार का भाग बन गया। यानी कहने का तात्पर्य दृष्टांत का यह है कि जब किसी के बीच, यानी यहाँ पे इस दृष्टांत पे आते हैं कि क और ख के बीच जब हत्या कारित की जा रही थी, तो उन दोनों के बीच आपस में विवाद हुआ होगा, तो उस विवाद के बीच जो भी कुछ क ने कहा या ख ने कहा, उसके बाद या आपस पास में खड़े लोगों ने जो भी कुछ सुना, जो भी कुछ उन लोगों ने देखा, या क के द्वारा जो भी कुछ कहा गया या ख के द्वारा जो भी कुछ कहा गया, उन लोगों के द्वारा जो भी कुछ सुना गया, वह क्या है, एक ही संव्यवहार का भाग है, एक ही संव्यवहार का भाग होने के नाते सुसंगत है। इस पे फ्रेंड्स, केक्स ला अगर हम देखें तो आर बनाम क्वीन का मामला है, जो 1971 का मामला है, जिसमें क्या था कि एक लड़की थी जिन्होंने पुलिस ऑपरेटर को विषम परिस्थितियों में फ़ोन किया और पुलिस ऑपरेटर से पुलिस सहायता के लिए फ़ोन लगाने को, कॉल डाइवर्ट करने को कहा, और वह अपना पता बताया। उसके बाद अचानक उसकी कॉल ठप हो गई, उसकी कॉल कट गई। ऑपरेटर ने पुलिस को सूचना दिया और उस स्थान पे जहां से उस लड़की ने फ़ोन किया था, वहां पे पुलिस 5 मिनट के अंदर पहुंचती है और वहां पे एक लड़की का शव बरामद किया जाता है। तो उस लड़की का ऑपरेटर को फ़ोन करके पुलिस सहायता मांगना और पुलिस का 5 मिनट के अंदर वहाँ पहुँचना और अचानक कॉल ठप हो जाना, एक ही तथ्य के अंतर्गत माना गया, और यह क्या है, और यह सुसंगत माना गया। उसके बाद आर बनाम पोस्टर का मामला है, यह 1834 का है। इसमें क्या हुआ, इसमें गवाह जो था वह भागता हुआ केवल ट्रक देखा था, दुर्घटना नहीं देखा था, इसे भी तथ्य को सुसंगत मानते हुए एक ही संव्यवहार का भाग माना गया। उसके बाद एक और लीडिंग केस आती है आर बनाम वेलिंग फील्ड का, जिसमें क्या था, आर बनाम वेलिंग फील्ड में एक मृतका थी जिसका गला धारदार हथियार से कटा था, वह किसी कमरे में थी और वह जैसे ही कमरे से बाहर आती है
और बाहर निकलते हुए कहती है कि देखो मेरी प्यारी चाची, वेल्डिंग फील्ड्स ने मेरी क्या दुर्दशा कर दी है। तो इस कथन को जो है न्यायालय ने एक ही संव्यवहार के अंतर्गत किया गया कथन नहीं माना, क्योंकि यहाँ पे न्यायालय ने अपना ये तर्क दिया कि यहाँ पे समय स्पष्ट नहीं हो सका, उसका गला कब कटा था इसका कोई समय का निर्धारण नहीं किया जा सका। हो सकता है, न्यायालय ने अपना ये तर्क दिया, हो सकता है कि जब मृतका का गला कटा था और वह पता नहीं कितने समय के बाद कमरे से बाहर आई, और कमरे से बाहर आते समय हो सकता है कि उसकी चाची वेल्डिंग फील्ड उसके सामने पड़ी हो और वह हड़बड़ाहट में कह दी हो कि देखो मेरी प्यारी चाची, वेल्डिंग फील्ड्स ने मेरी क्या दुर्दशा कर दी है। तो न्यायालय ने क्या किया, न्यायालय ने इसे भी एक ही संव्यवहार के अंतर्गत साक्ष्य के रूप में सुसंगत नहीं माना, इसे एक ही साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 6 जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और रजिस्ट्रे का सिद्धांत भी इसी में समाहित है, तो हमारा ये वीडियो रजिस्ट्रे के सिद्धांत पर आधारित था, उस पर पूरा धारा 6 के अंतर्गत एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों से संबंधित था और इस पर 2-3 केसला के माध्यम से हमने आपको समझाने का प्रयास किया। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।